बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पत्रिका टीवी पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट। गोंडा ट्रेन हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ। 18 जुलाई को डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पलटी थी और ऐसे में इसे लेकर जांच बैठाई गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दर्दनाक यह हादसा हुआ था। गोंडा ट्रेन हादसे को लेकर जांच भी बैठाई गई। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही सामने आ रही है इस हादसे में। इसको लेकर सवाल उठे थे, बार बार इससे पहले भी रेल हादसे हुए हैं। ट्रेन हादसों में लोगों की जान जा रही है, इससे पहले भी कई बड़े हादसे हुए और लगातार इस प्रकार की घटना होने पर सवाल उठ रहे थे। कुछ दलों ने तो रेल मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया था। ऐसे में 18 जुलाई को डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जब पलटी तो उसको लेकर भी फिर से सवाल उठने लगे तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर। और अब ये सामने आ रहा है कि इंजीनियरिंग विभाग की गलती यहाँ पर थी और उनकी गलती की वजह से इतना बड़ा ये हादसा हो गया। अगर जरा से संभल जाते, जरा सी लापरवाही से बच जाते तो ये हादसा ना होता, इतने लोगों की जान ना जाती। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मोतीगंज झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच पिकोरा गांव के पास 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से अब जो जांच बैठाई गई थी उसका खुलासा हो गया है। हादसे की जांच रिपोर्ट में रेलवे के इंजीनियरिंग सेक्शन की बड़ी लापरवाही के चलते डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जिस जगह पर ट्रेन बेपटरी हुई थी वहां ट्रैक में 4 दिन से बकलिंग हो रही थी। बकलिंग के कारण 18 जुलाई को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की कुल 16 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसके बाद 3 एसी कोच ट्रैक पर पलट गए थे। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले झिलाही के की मैन का काम देख रहे रेलवे कर्मी ने जूनियर इंजीनियर को फोन करके रेल ट्रैक के कमजोर होने का खतरा बताया था। सेक्शन के अफसरों ने ट्रैक पर सावधानी बरतने के लिए कोई संदेश नहीं लगाया, जिससे अपनी फुल स्पीड में चल रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसाग्रस्त वहां पर हो गई, दुर्घटनाग्रस्त वहां पर हो गई। रेलवे द्वारा गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लखनऊ रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आने वाले झिलाही सेक्शन के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल ट्रैक की बंधाई ठीक नहीं थी, मतलब गर्मी के कारण फैलने से ट्रैक ढीला हो गया था, उसे ठीक से कसा नहीं गया था। हादसे करीब 1 घंटा पहले मोतीगंज झिलाही के बीच ट्रैक की गड़बड़ी का पता चल चुका था और उसके बाद भी रूट पर सावधानी बरतने का संदेश नहीं लगाया गया। अगर सावधानी बरतने का संदेश वहां लगा होता तो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 70 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलती और यह हादसा नहीं होता। हादसा 18 जुलाई की दोपहर 14:28 पे हुआ, यानी कि 2:28 पर मोतीगंज के स्टेशन मास्टर को 2:30 इसकी जानकारी दी गई। ट्रैक की गड़बड़ी डिटेक्ट होने के बाद अफसरों ने साइट प्रोटेक्शन करने और कॉशन बोर्ड लगाने की जहमत नहीं उठाई। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को उसी ट्रैक पर फुल स्पीड में गुजरने दिया, जिसकी वजह से हादसा हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के 6 अफसरों की टीम ने चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट, मैनेजर, झिलाही और मोतीगंज के स्टेशन मास्टरों समेत कई कर्मचारियों के बयान, घटनास्थल का टेक्निकल मुआयना करने के बाद अपनी रिपोर्ट में झिलाही सेक्शन के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस ट्रेन हादसे का जिम्मेदार बताया। गोंडा, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी के 41 रेल अधिकारी और कर्मचारी लखनऊ DRM दफ्तर में तलब किए गए। माना जा रहा है कि उनके बयान दर्ज करने के बाद लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। हादसे वाले स्थान पर रेलवे ट्रैक के आसपास जल भराव की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि 30 से अधिक रेलकर्मी मौके पर मुस्तैद थे। गिट्टी और मिट्टी डालकर जहां पानी जमा किया गया था उस स्थान को भरने का काम भी कल किया गया था। उसके बाद में आगे अभी भी वहां प्रोसेस जारी है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है जल भराव के चलते ट्रैक कमजोर हुआ हो और ट्रेन गुजरते समय मिट्टी धंस गई हो, जो इसे ट्रेन दुर्घटना का कारण बना। हालांकि संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट से ही हादसे की असल वजह पता चलेगी।